आज पाई डिबेट में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान रेलवेज का शुमार पाकिस्तान के टॉप 10 लॉस मेकिंग एसओईज में होता है। कुछ करंट स्टेटिस्टिक्स जो कि हमारी स्टडी ने कोट किए, मैं उसके बारे में आपको पहले बता दूं। पिछले 5 सालों में रेलवे का खसारा तकरीबन 144 बिलियन तक पहुँच गया। सिर्फ 2020 के स्टेटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो वो कुछ इस तरह है, यानी 44 बिलियन डेफिसिट था पाकिस्तान रेलवेज का, 36 बिलियन के करीब पेंशन लायबिलिटी थी पाकिस्तान रेलवे के ऊपर। और इस डेफिसिट और पेंशन लायबिलिटी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन 45 बिलियन सब्सिडी अप्रूव की। ये सिर्फ 2020 के स्टेटिस्टिक्स हैं। इन सारे स्टेटिस्टिक्स के बावजूद 2021 में जो स्टेट और एंटरप्राइज की ट्राइड एक्सरसाइज की गई, उसमें रेलवे को रिटेन और रीस्ट्रक्चर कैटेगरी में फिर रख लिया गया। अब रिटेन और रीस्ट्रक्चर कैटेगरी में रखने का मकसद यही था कि रेलवे के को के अंदर मजीद रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। 2021 में पाकिस्तान रेलवेज को रिटेन एंड रीस्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल दिया गया। जहाँ तक रीस्ट्रक्चरिंग की बात है तो पाइट की स्टडी वाज़ह तौर पर ये एक्सप्लेन करती है कि पूरी दुनिया में रेलवे के निज़ाम को पीपीपी मोड में रीस्ट्रक्चर किया गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर रीस्ट्रक्चर की गया। और ये पॉलिसी तकरीबन 183 साल पुरानी है। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजूहात है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम उन हाफ हार्टेड रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं जो कि हमने रेलवे के अंदर होते हुए देखे। ओपन एक्सेस पॉलिसी जो कि पूरी दुनिया में 183 साल पहले से इम्प्लीमेंट की जा रही है और रेलवेज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर 2011 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन इसको बहुत ही लिमिटेड स्केल पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। कहने का मकसद ये है कि बहुत लिमिटेड रूट्स थे जिनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो अपनी ट्रेनें लाएं और वो चला सकते हैं। इस कंट्रोल रिजीम के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे प्रोसेस के होने के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, सो ये रोल बैक कर दी गई। पाइट के अंदर हमने 8 वेबिनार की सीरीज के दौरान हमने प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंट लोगों से बात की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि रेलवे के अंदर सिर्फ फ्रेट के जिम्मे तकरीबन 54 रेलवे फ्रेट ट्रेन्स की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें से ट्रैक एक्सेस रिजीम में सिर्फ 6 ट्रेनें चलाने का उनको इजाजत दी गई थी और वो भी उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। अब जब हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो वो रेलवे के अंदर बिजनेस का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं और ट्रेंड भी उनको नजर आ रहा है। अब शायद यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी वजह हमारे आड़े आ रही है, वो हम और भी पाइट की स्टडीज में डिस्कस करते रहे हैं, वो ये है कि पाइट अपनी रिपीटेड स्टडीज में ये कहता रहा है कि हमारा गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। यानी डॉक्टर नदीम की एक स्टडी के मुताबिक गवर्नमेंट का फुटप्रिंट तकरीबन 67% है, जिसमें से 42% वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। इसी वजह से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी लो है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में तकरीबन ना होने के बराबर है। एक और हक सर्वे जो किया गया उसमें भी यही बात की गई, तकरीबन 84% लोगों की राय ये थी कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स बे इंतहा कंट्रोल्ड है और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। जहां पर मईशत हमारी इस वक्त खड़ी भी है, इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ सख्त फैसले नहीं करें, कुछ समझदार फैसले भी करें। और इनमें से सबसे बड़ा फैसला इस वक्त रेलवे को प्राइवेटाइज करने का हो सकता है। पाइट की एक और स्टडी में हमने फ्रेट फॉरवर्डर्स का एक सर्वे भी कंडक्ट किया, उनकी भी राय यही थी कि सिर्फ रेलवे को अगर थोड़ा सा डिजिटाइज कर दिया जाए, तो कहने का मतलब ये था कि अगर उनके लिए वहां पर बुकिंग आसान कर दी जाए, वो ऑनलाइन हो जाए, अगर उनको पता हो कि उनके कंसाइनमेंट इस वक्त कहां पर मौजूद है, तो ये रेलवे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और बहुत ज्यादा बिजनेस रेलवे को इस मद में मिल सकता है। अब लैंडस्केप जो है फ्रेट का बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब चॉइस जो है मोड की बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि शिपर जो है वो क्या समझता है कि उसको कॉस्ट कितनी है और उसको उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉस्ट के दरमियान में वो अपना फैसला करता है।
सो रेलवे को अब शायद ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि रेलवे एज अ मोनोपोली स्टैंड नहीं कर रहा. रेलवे एक बहुत बड़ी ग्लोबल चेन का एक छोटा सा पार्ट है और वहां पर वो तभी सर्वाइव कर सकता है या अपना शेयर 24% जो कि नेशनल फ्रेट पॉलिसी में है वो वही तब तक वहीं जा सकता है जब वो कस्टमर ओरिएंटेशन की तरफ आएगा या पीपीपी मोड की तरफ जाएगा. एक और बहुत अहम चीज जिसकी तरफ हम काफी दफा हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवा चुके हैं और वो हमारे पाइट के 8 वेबिनार के सीरीज में भी रिपीटेडली डिस्कस हुई, वो यही थी कि जो वेकेंट लैंड इस वक्त रेलवे के पास मौजूद है उसको भी बिजनेस में लाने की या उसको भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए अनलीश करने की जरूरत है. इस वक्त हमारे पाइट की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 33,000 एकड़ लैंड है जो रेलवे का राइट ऑफ वे है. अब ये राइट ऑफ वे बेसिकली कमर्शलाइज कर, इसका मतलब ये है कि ये लैंड सिर्फ रेलवे ही अपने मकसद के लिए यूज कर सकती है. अब जबकि रेलवे बिल्कुल सब्सिडीज पर डिपेंडेंट है तो रेलवे अपने इस रिसोर्स को क्यों नहीं यूज कर सकती. इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोविंसेस से परमिशन लेने की जरूरत है. तो गवर्नमेंट को इस वक्त इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है. और इसके अलावा हमने कुछ और रेलवे स्टेशन भी देखे हैं जिसमें हसन अब्दाल, नारोवाल, वजीराबाद, इस तरह के रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं इस वक्त, जो कि हैं तो रेलवे स्टेशन लेकिन उन पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वक्त नहीं हो रही, इवन के रेलवे भी ऑपरेशनल नहीं है. सो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो और पाइट रिफॉर्म एजेंडा के तहत ग्रोथ हो और उस ग्रोथ के बदले में टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं, ना सिर्फ ये कि आए दिन टैक्सेस को बढ़ाया जाए बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के नतीजे में जमा होने वाले टैक्सेस जो हैं वो उस पर फोकस किया जाए. सो हमारी ये दो पॉइंट्स हैं जिन पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी स्टडीज पर फोकस करती है कि एक तो रेलवे की लैंड को जहां आप ऑपरेशंस प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, पीपीपी मोड में ले जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर रेलवे की लैंड के लिए भी पीपीपी मोड की फैसिलिटेशन की जाए. थैंक यू.